कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आज नसरुल्लागंज के सिंहपुर एक छोटे से गांव के एक ड्राइवर के बेटे ने कर दिखाया है और विदेश के लिए चयन हुआ है। आपको बता दें कि नसरुल्लागंज तहसील के सिंहपुर ट्रक ड्राइवर के बेटे का विदेशी विज्ञापन के आधार पर चयन हुआ है। एक सामान्य परिवार में जन्मे ट्रक ड्राइवर आमान सिंह पिता रामचरण सूर्यवंशी ने अपने दो लड़कों व लड़कियों को पढ़ा लिखा उच्च शिक्षा दिलाई, जिसमें सचिन उम्र 26 वर्ष ने मेहनत और लगन से पढ़ाई कर अपना मुकाम हासिल किया। सचिन बताते हैं कि इनकी इस उपलब्धि पर माता पिता व बड़े भाई का अहम योगदान है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं सचिन। क्या कहेंगे आप? मैं तो अपने आप में तो गौरवित हूँ। मैं छोटे परिवार में रह के और बच्चों की शिक्षा के प्रति हम लोग जागरूक रहे, और बच्चों ने भी पढ़ाई वढ़ाई की, जितनी भी हम लोगों से अपनी हैसियत के माफिक जो पढ़ाई कराना था, और साथ में थोड़ा अनुशासित रहे बच्चे, जो स्कूल बराबर गए। इंदौर में मेरे अभी 3 बच्चे हैं, एक तो इससे बड़े वाला है, 2 मेरे हैं, तो कुछ तो उन बच्चों के साथ रह के पढ़ाई वढ़ाई की। दूसरा भी इसकी रुचि रही कि इसने सैलून का डिप्लोमा किया, और एक तो लाइन बहुत अच्छी रही, आज तक की उसकी लाइफ जो है कभी कोई कंप्लेंट नहीं मिली हमें, तो सबसे ज़्यादा खुश तो मैं इससे हूँ। किस प्रकार का आप अनुभव बताएंगे कि एक छोटे से परिवार से व्यक्ति निकलता है इंदौर और बॉम्बे वर्क करने के बाद आके लिया जाता है? मुझे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि एक तो उसके पिताजी ड्राइवर ट्रक ड्राइवर है, और उसी में अपना 3 बेटियां हैं, 2 बेटे, 5 परिवार, 5 बच्चे, दोनों वो 7 परिवार का मतलब पालन पोषण करते हुए कुछ पैसा बचाया, बच्चों को पढ़ाया, तो सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद के पात्र वो है। मेरा नाम सचिन सूर्यवंशी है और मैं सीहोर जिले के सिंहपुर गांव में रहता हूँ, एंड माय फादर इज़ अमान सिंह सूर्यवंशी एंड माय मदर इज़ लक्ष्मी बाई। जिस प्रकार से ये अभी आपको आज के लिए जाने का मौका मिला, पहले आप इंदौर भी रहे हैं, कुछ दिन आप बॉम्बे में भी जैसे अभी सर्विस कर रहे थे, तो शुरू से आप ये अपना परिचय जैसे आपने दिया है कि आप सिंहपुर में रहते हैं, तो यहाँ की आपकी पढ़ाई कहाँ तक रही, फिर आपने अपनी एजुकेशन जो थी वो कहाँ से पूरी की है, उसके बाद ये जिस प्रकार सैलून का जो आपने काम लिया है, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे इतने वर्क होने के बाद भी अपने एक सैलून का काम चुना, क्या कहेंगे आप? तो मैं बोलूँगा, मेरे भाई ने मेरी बहुत सपोर्ट किया, मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, तो वो देखते थे मुझे लाइक मैं थोड़ा करता था स्टाइलिंग, मेरी खुद की स्टाइलिंग करता था, तो उनको ऐसा लगा कि शायद मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि तू ये भी पढ़ाई, इस टाइप की भी कुछ पढ़ाई होती है, तो मैंने इंदौर में VLCC एकेडमी से अपना कॉस्मेटोलॉजी कोर्स किया। वहाँ पर गवर्नमेंट का स्कीम था, यू हैव टू पे 5,000 रुपीज़ एंड यू विल गेट बैक, लाइक आप 5,000 भरोगे और आपको वापस भी मिल जाएगा। वो कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से फ्री था उस टाइम पे जब मैंने वो कोर्स किया। उसके बाद जैसे कोर्स अपन ने कंप्लीट करने के बाद फिर क्या सैलून में वर्क करने के लिए अपना खुद का सैलून खोला कि कहीं? नहीं, मैंने बहुत थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ा। अभी स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा हमको मेहनत भी करनी होती है बहुत, अभी ये लाइन थोड़ी ईजी नहीं होती है कि हमको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक स्टार्टिंग हमने एक सलून से किया था, वहाँ पे थोड़ा हेयर कट में मेरा अच्छा हाथ हुआ, मैं मेल जेंट्स और लेडीज़ दोनों करता हूँ। फिर इंदौर से बॉम्बे जाने का कैसा क्या रहा आपने? इंदौर से इसलिए क्योंकि इंदौर एक उस टाइम पे एक छोटा प्लेस था, लाइक नॉट बिग प्लेस बट थोड़ा सा छोटा था मेरे हिसाब से, मुझे लगता है देखा जाए तो उसको मिनी बॉम्बे बोलते हैं। हाँ, मिनी बॉम्बे बोलते हैं, वो आपकी बात भी सही है, बट क्या है कि मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना था कि मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में और भी कुछ था आगे जो मैं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने मुंबई को चुना।
ये तो इसके लिए फिर पढ़ाई भी आपने हायर स्टडी करी के खाली इसी नहीं, योग्यता इसी, के साथ? इसी कोर्स को मैंने कंप्लीट किया एंड उधर मुंबई में जाके मैंने छोटा सा कोर्स किया लॉरियल एकेडमी में। फिर कैसा क्या अनुभव रहा है आपने इतने समय से बॉम्बे में रहे? बॉम्बे का मैं बोलूँ तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। लाइक लोग कुछ भी बोलते हैं, अरे हम बॉम्बे गए थे वहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे वैसा होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी बॉम्बे जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वहाँ पर, बहुत अच्छी लाइफ होती है। बस थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए आदमी में कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना है हमको। आप एक गोल बना के चलिए, आप बिल्कुल सही जा। किस किस प्रकार से ये सैलून में वर्क किया जाता है आपके द्वारा? हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्क होता है, जैसे मैं मेल और फीमेल दोनों करता हूँ। तो जेंट्स में स्टाइलिंग होती है, लेडीज़ में स्टाइलिंग होती है, हेयर कट्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, किसी का बाल कर्ली है तो उसको कैसे स्ट्रेट किया जाता है परमानेंट के लिए। हम केमिकल वर्क करते हैं उसके ऊपर, उसकी हम पढ़ाई किया था कॉस्मेटोलॉजी। क्या मिल रहा था अभी आपको इंदौर में? इंदौर में तो मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल रहा था। मैंने स्टार्टिंग 4000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे अलग सैलून ज्वाइन किए, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद में थोड़ा सैलरी बढ़ा तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ इसमें भी कुछ होता है। फिर अंदर की बात करें तो देखो बहुत बिग डिफरेंस है। एक ये अलग कंट्री है, वो अलग कंट्री है, वहाँ के लोग अलग है, यहाँ के लोग अलग है। एक्चुअली मेन रीज़न है ऑस्ट्रेलिया जाने का मेरी फैमिली। सो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि वो मेरे ऊपर प्राउड फील करे। वो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे दादाजी को बोलना चाहता हूँ, अनार सिंह सूर्यवंशी एंड माय जीजू रामनिवास बकोरिया एंड माय फादर आल्सो। क्या है ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप जा रहे हैं तो उसमें वर्क में और यहाँ के वर्क में कोई अंतर आएगा? अंतर तो देखो क्या, सबका बेसिक तो सेम रहता है, डिफरेंस क्या रहता है, लोग अलग हैं वहाँ के तो उनके हिसाब से थोड़ा हमको इंग्लिश आना चाहिए, थोड़ी सी इंग्लिश, ज़्यादा भी नहीं कि आप एकदम फ्लुएंट होना चाहिए। तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है छोटा सा, वो आपको क्लियर करना पड़ता है, यू कैन गो। तो उसके हिसाब से मैंने अपना जो कॉस्मेटोलॉजी कोर्स किया था तो वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है, मतलब प्रूफ होता है वो कि आपने कहीं से कोर्स किया है, एक अच्छी वैल्यू होती है उस सर्टिफिकेट की। तो वहाँ की गवर्नमेंट देखती है कि यहाँ इस लड़के ने कहाँ से कोर्स किया हुआ है, कहाँ से क्या किया हुआ है। और अदर सर्टिफिकेट जैसे छोटे मोटे सेमिनार्स होते हैं स्टाइलिंग के, तो मैं वहाँ जाता था। उसके जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा होता है, एक इंटरव्यू होता है आपका, जैसे हम परीक्षा कोई नौकरी से लगने से पहले एग्ज़ाम देते हैं ना, वैसा वहीं का होता है। तो वो लोग पूछते हैं तुमसे कि थ्योरेटिकली पूछते हैं हमारे फील्ड का क्वेश्चन आंसर।